Let's go. अल्ट्रा इंस्टीट्यूट में मास्टर होना हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सपना होता है, पर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट हर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं आती है। और दूसरी तरफ एंजल इसमें मास्टर है पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं, इसमें बीरस भी आता है। इतने साल के बाद भी बीरस ने अभी तक इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया है, ना उसे ये टेक्निक आती है, पर गोकू को पावर मिल चुकी है, बस उसने अभी इस चीज़ को मास्टर नहीं किया है। अगर हम कॉमन सेंस लगाएं और जो कम्युनिटी में बातें चल रही हैं, सभी को पता है स्पॉयलर्स के हिसाब से 129 में इसमें गोकू सच में अल्ट्रा इंस्टीट्यूट में मास्टर होने वाला है। इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये कैसे मास्टर करेगा और ये पुराने वाले से कैसे अलग होगा? पुराना वाला यूआई जो था ऑफेंस में काम नहीं आता था, और जब भी गोकू अल्ट्रा इंस्टीट्यूट में खैफला पर अटैक करता था उस पर इसका ज़्यादा असर नहीं होता था। और विस ने भी कहा था वो डॉज तो कर सकता है पर जब भी वो अटैक करेगा सामने वाले पर उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट अब जब गोकू इसमें मास्टर होगा तो उसके साथ अटैक भी पावरफुल हो जाएंगे, और तब कहीं जाके ऑफेंस और डिफेंस जब मिल जाएंगे तब जीरन को शायद वो हरा पाए। पर इससे एक और बात सामने आती है, वो स्टेमिना का क्या करेगा? इसमें कितना स्टेमिना की जरूरत होती है कि वो दोबारा यूआई में आए? पिछली बार तो जीरन ने इसके लिए पुश किया था, पर अब गोकू को कैसे पता होगा उसे पावर को दोबारा लाना है? शायद ये उसकी जरूरत के हिसाब से है, ये चीज हमें नहीं पता है। पर जो भी हो उसे मास्टर यूआई मिलने वाली है, और मेरा ओपिनियन है ये इसे आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता है। ऐसे ही ड्रैगन बॉल सुपर खत्म नहीं हो सकता है, ये गोकू का आखिरी वक्त नहीं होगा जब वो सबके जिलों पर छा जाएगा। इस सीरीज को आगे तो चलना ही होगा, और जब गोकू इसमें मास्टर होगा तो इसका मतलब वो बीरस को भी सरपास कर देगा, ये क्लियर है। उसके पास ऐसी पावर होगी जो एंजल यूज करते हैं, पर बीरस इसमें मास्टर नहीं है पर गोकू है, इसका मतलब वो बीरस को सरपास कर देगा। पर जो मुझे देखना है वो अभी देखने को नहीं मिलेगा कि कैसे गोकू और बीरस चेंज हो गए इस इवेंट के बाद, जब गोकू इसे सरपास कर देगा बीरस उसके साथ एक नॉर्मल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि गोकू उससे आगे होगा। क्या ये पहले ही जैसा होगा या थोड़ा अलग होगा, ये सब हमें नहीं पता चल पाएगा जब तक ये सीरीज दोबारा नहीं आती है। पर जो भी हो हमें जल्दी मास्टर अल्ट्रा इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा टूर्नामेंट में, और ये भी गोकू कैसे यूनिवर्स 7 के लिए अपनी सारी लिमिट को तोड़ देगा। जीरन जैसे बंदे से आज तक गोकू का सामना नहीं हुआ है, जो भी हो गोकू उस लिमिट तक जाएगा जो हमने अभी नहीं देखी है, पर अब ये रियल पावर होगी जैसी एंजल्स ने कही थी। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक में बात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।